नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग बिहार में और मैं हूं आपके साथ लिपिका प्रीत। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। पटना स्थित होटल मौर्या के अशोक सभागार में आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं। उनके साथ पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इसे राष्ट्रीय अधिवेशन बताया जा रहा है। इस बैठक को अन्य बैठकों के मुकाबले काफी ज्यादा खास और अहम बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लालू यादव के निर्देश के बाद काफी बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहली बार हरे रंग के गमछे और हरी रंग की टोपी में नजर आ रहे हैं। हम स्क्रीन पे आपको जो विजुअल दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान मंच पर खुद आरजेडी सुप्रीमो भी हरे रंग के गमछे और हरी रंग की टोपी में दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच लालू के तीन बच्चे यानी कि दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, इनके साथ ही उनकी बेटी मीसा भारती लालू के निर्देश को कहीं ना कहीं अनफॉलो करते हुए नजर आए। तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती ने ना ही हरे रंग की टोपी पहनी थी और ना ही हरे रंग का गमछा लिया हुआ था। होटल मौर्या के अमर शहीद जगदेव प्रसाद सभागार से राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जो पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है उसमें मंच पर कई बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। कांति सिंह उनके बगल में, लालू के बड़े बेटे और राजद विधायक तेज प्रताप यादव, पूर्व वित्त मंत्री और राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी उनके बगल में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीच में, लालू प्रसाद यादव उनके बगल में, आरजेडी की राज्यसभा सांसद और लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती और पूर्व केंद्रीय मंत्री जय प्रकाश नारायण यादव दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में खास बात यह है कि लालू के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के अलावा बाकी सभी लोग हरे रंग के गमछे और साथ ही हरी टोपी में नजर आ रहे हैं। दोनों भाइयों के अलावा बड़ी बेटी मीसा भारती भी बिना गमछे और हरी टोपी की दिख रही हैं, जबकि उसी मंच पर कांति सिंह और लालू यादव हरे गमछे और हरी टोपी में दिख रहे हैं। दरअसल पिछले साल सितंबर में आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए लालू यादव ने सभी से हरी टोपी पहनने की अपील की थी। इससे पहले उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में घूमते वक्त हरा गमछा हमेशा साथ रखने को कहा था। उनकी बात पर अमल करते हुए कार्यकर्ताओं ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया। कई नेताओं को हरे गमछे के साथ देखा गया। अब गमछे के बाद नेताओं ने टोपी पहननी भी शुरू कर दी थी। लालू प्रसाद ने कहा था कि जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी के समर्थकों की पहचान टोपी है, उसी तरह राजद के नेता और कार्यकर्ता हरी गमछी और टोपी पहने, यही आपका लाइसेंस है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कार्यकर्ताओं को अपने घरों के आगे राजद का झंडा लगाने की भी सलाह दी थी, ताकि उनकी पहचान हो सके कि यह राजद समर्थक का घर है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गहरे लाल रंग की टोपी पहनते हैं, चाहे वे पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव हों या फिर उनके बेटे अखिलेश यादव। सभी सार्वजनिक जगहों पर भी लाल रंग की टोपी में नजर आते हैं। इसी तरह लालू यादव ने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में घूमते वक्त हरा गमछा हमेशा साथ रखने को कहा था। ऐसे में आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान उनके दोनों बेटे और बड़ी बेटी ही लालू के इस निर्देश का उल्लंघन करते दिखे। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव ने लालू के निर्देश का उल्लंघन किया हो। इसके पहले बिहार में विधानसभा की दो सीटों पर जब उपचुनाव हुए थे तो जनसभाओं को संबोधित करने के दौरान तेजस्वी ने ना ही हरे रंग की टोपी पहनी थी और ना ही हरे रंग के गमछे का इस्तेमाल किया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे ट्रेंडिंग बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर दे। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट ट्रेंडिंग बिहार पर जरूर विजिट कीजिए। धन्यवाद।